दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, जो मंथली टर्नओवर होगा और जो आपका मंथली प्रॉफिट होगा, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसी मशीनरी चाहिए, क्या कॉस्ट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कितना लैंड और बिल्डिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। करते हैं रॉ मटेरियल्स की, तो वो होगी पैट प्रीफॉर्म कैप्स और लेबल्स एंड पैकिंग मटेरियल, जो आपके बॉटल के ऊपर आपके ब्रांड की तरह लगेगी, और कैप्स जो आपको मैन्युअली लगानी पड़ेगी। यहाँ पे पैट प्रीफॉर्म रेडीमेड मिलता है आपको, जो आपको खरीदना होगा एज अ रॉ मटेरियल। ये तीन रॉ मटेरियल एफिशिएंट है आपको अगर प्लास्टिक की बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो। प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो प्रीफॉर्म मोल्ड होता है इसको पहले प्री हीट करते हैं, उसके बाद जो मोल्डिंग मशीन होती है उनके अंदर रख कर उसके अंदर हवा ब्लो करते हैं, तब जाके वो उसके प्रॉपर शेप में आ जाती है और आपकी बॉटल तैयार हो जाती है। यहाँ बॉटल जो आपकी बनती है वो अलग अलग मोल्ड्स में बनेगी, जैसे 1 लीटर, 3 लीटर, 300 ml, 500 ml, वो आपकी मशीन जो आप बाय करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये है सिंपल सा प्रोसेस जो 3 स्टेप में पूरा हो जाता है। बॉटल बनने के बाद आपका जो कैप होता है वो आपको मैन्युअली लगाना पड़ता है एक एक बॉटल के ऊपर। और यहाँ पे 2 टाइप की मशीनरी आपको मिल सकती है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक, जहाँ पे आपको अलग अलग काम करने पड़ेंगे उस हिसाब से। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपको 1500 स्क्वायर फीट जितना एरिया चाहिएगा मिनिमम, जहाँ पे आप आपके प्लांट एंड मशीनरी को लगा सकोगे। और आपको जो अदर एसेट्स जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपकी फैक्ट्री में, वो हो गए इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, पावर बोर्ड, डीजी सेट और ऑफिस या कैबिन, जहाँ से आप आपका सारा काम कर सकोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जितनी चाहिएगी वो होगी 15 से 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़रूरी होगी ये प्लांट को रन करने के लिए। और जो मैन पावर होगा 5 से 6 लोगों को यहाँ पे आप एम्प्लॉय कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हो, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके। वो डिफर करेगा अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हो या लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपको एफिशिएंट मशीन्स चाहिए तो वो 20 लाख से चालू होती है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। अब बात करते हैं मंथली टर्नओवर की, तो वो होगा 4 to 5 lakhs अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे अगर आप पर डे 8000 पीसीस का प्रोडक्शन करते हो तो आपका मंथली टर्नओवर 4 to 5 lakhs अप्रॉक्सीमेट होगा। अगर आपका मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 70,000 से 1 lakhs अप्रॉक्सीमेट आपका मंथली प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगी वो 15 से 20% होगी। ये जो सारे फिगर्स है वो अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि ये सब डिफर करेगा आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी पे, आपके काम पे, आपके सेल्स पे। लाइसेंसेस की अगर बात करें तो GST, उद्यम, NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन बोर्ड और ट्रेडमार्क, ये 4 लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी ये फैक्ट्री को रन करने के लिए। तो ये था प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी ये प्लांट को सेटअप करने के लिए, और सारे चीज़ें डिफर करेगी आपके प्लांट की साइज़ के ऊपर, क्या एफिशिएंसी है, और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट और टर्नओवर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। We'll be right back.